वेल अस्सलाम वालेकुम, मैं नाम आसिफ रज़ा है और मैं आरसा स्टडी कंसल्टेंसी मॉडल टाउन लाहौर से। वेल सबसे पहले बहुत सारी तारीफ़ें अल्लाह पाक की, दैन बहुत सारे दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, दैन बहुत सारी तारीफ़ें सब नए लोगों के लिए। मेरे साथ मेरे दोस्त अदनान रशीद, माशाल्लाह एक बेहतरीन दोस्त, एक बेहतरीन क्लाइंट, एक अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टुडे वी रिसीव्ड हंगेरियन स्टडी वीज़ा for the University of Meshkol, the program for the MBA. 4-5 माह की ये स्ट्रगल, 3-4 साल की ये दोस्ती, अल्लाह के फजल करम से इट्स टर्न बैक टू द पॉजिटिव रिजल्ट्स। टुडे इज 28th ऑफ जुलाई एंड लेट्स कॉन्ग्रेट टू द मिस्टर अदनान रशीद एंड आगे सारी डिस्कशन उन्हीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। वेल थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर, वेलकम। अदनान हमारे पास आए, बहुत पुराने मेरे दोस्त भी हैं, सारी स्टोरी आपको खुद ही बताएंगे। बड़े कमाल से अप्स एंड डाउन चलते रहे हम लोगों के, सारी बात इन्हीं से सुनेंगे, कैसी दोस्ती रही, कैसा अरसा के साथ सफ़र रहा। इनके एक दोस्त हमारे साथ जुनेद भी अटैच्ड हैं सारे काम में, मेहनत में, उनका भी बहुत सारा हाथ है, उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं। थैंक यू डेयर जुनेद ब्रदर। थैंक यू, वेलकम। जवाब सर सुनाइए, कैसा रहा सफ़र? जी मेरा नाम अदनान रशीद है और मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। राइट। लेकिन ये करंटली मैं 10-12 साल से लाहौर में रह रहा हूँ। एक अच्छा पॉइंट मैं यहाँ कर दूँ, इनके प्रोफाइल में 12 साल का एजुकेशनल यानी स्टडी गैप था, इस 12 साल में ये प्रोफेशनल लाइफ से अटैच करे, ये मैरिड भी हैं माशाल्लाह। राइट जी, बिल्कुल। ओके आगे तो ये है कि मतलब जॉब इधर कर रहा था, मैंने किया था अप्लाई 2017 में, मैंने ना हम दो दोस्तों ने आपके पास आए थे, सर्च किया कंसल्टेंट को, काफ़ी सारे विजिट किए। सेकंड दोस्त का नाम जुनेद है, जुनेद बैठे भी हैं जो आए आपके पास, आपसे ऑफिस विजिट किया, हमें लगा कि नहीं यार ठीक है, काम करने वाले जो है ना बंदा लग रहा है। आपको प्रोफाइल दिखाई आपने, डन बेस पे काम कर लिया। तब ये अपना हमारे एडमिशन हो गए थे दोनों दोस्तों के, तो इस तरह हुआ कि अनफॉर्चुनेटली मेरे जो दोस्त का जो था ना डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो अटेस्टेशन पे रुक गई, जिस वजह से मैंने भी जो है ना क्विट कर दिया, पोस्टपोन हो गया। लेकिन हमारी जो दोस्ती है ना वो उसी तरह से चलती रही, वो ऐसे ही डेवलप हो गई, आना जाना भी था, ये सारा कुछ था। अब 2021 में अभी मेरा फिर जो है ना ये इरादा बना कि यार ये ना हो कि लाइफ में बंदा कहे कि रिस्क लिया ही नहीं मैंने, काम किया ही नहीं है कि आदमी छोड़ के भाग गए, काम नहीं किया। मैंने कहा एक दफ़ा जो है ना ट्राई करें, दोबारा आपके पास आए। गैप मजीद ज़्यादा बढ़ गया था, 12 साल हो गया था, और दूसरा ये है कि बच्चे भी, अब 4 बच्चे हैं, तो ये है कि डिपेंडेंट मेरे 5 डिपेंडेंट थे, मेरे लिए ये एक टफ डिसीजन था। लेकिन ये है कि मुझे एक इत्मार भी था कि काम अच्छा, प्रोफाइल मेरी स्ट्रांग होगी। तो हम लोगों ने डिस्कशन की, मैं था, अदनान भाई थे, जुनेद भाई थे, एक और दोस्त भी थे, जी जी ऐसे ही है, उनका याद नहीं है। सो वी फाइनलाइज कि हम केस को बनाएंगे, मेहनत करेंगे अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह डेवलप करेंगे, इनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यूज करेंगे, और फाइनल हमने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशकॉल को चूज कर लिया, और प्रोग्राम चूज कर लिया बिजनेस का, MBA फॉर द 2। जी ऐसे ही। फिर इंटरव्यू आ गया आपका, पहला इंटरव्यू आ गया, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू आया, वो ये है कि अच्छा इंटरव्यू हो गया, लेकिन इंटरव्यू में प्रॉब्लम हो गई कि नेट बंद हो गया, डिस्कनेक्ट होने की वजह से ये है कि वो इंटरव्यू के इनको 3-4-5 मिनट गुजर गए थे, 10-12 मिनट का इंटरव्यू होना था, तो इन द बिटवीन इंटरव्यू में वो डिस्कनेक्ट हो गया। We connected in a 5-10 minutes again, और ऑफिस में ही थे मेरे पास, फाइबर ऑप्टिक से कनेक्टेड होने के बावजूद भी खैर हो जाता है। अदनान भी वही थे, मैं भी ऑनर स्पीकिंग वही था, यूनिवर्सिटी है, इंटरव्यू ले रही है, और हमारा इतने सालों से, और फिर एक फाइनल स्टेज पे पहुंचने वाले थे। I just connected with the university. उन्होंने कहा नहीं ऐसा हो जाता है, but now let's do continue. ऐसा ही है। आपने फिर इंटरव्यू दिया, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक की इतना ये करम हुआ कि 100 out of 100 आ गए। और 17 लोगों के MBA के इंटरव्यूज में अदनान is only you one जिसका 100 out of 100, और ओनली विद इन 4 आवर्स में जो है ना वो मुझे कंडीशनल लेटर मिल गया था। नॉर्मली 2-3-4 दिन लग जाते हैं, अदनान को जो इंटरव्यू 4-5 आवर्स में हमें शाम तक वो आ गया था कंडीशनल लेटर। ऐसे ही
फिर ट्यूशन फी का टाइम, ट्यूशन फी पे की आपने दूसरे कंसल्टेंट की तरह ये नहीं कहा कि लाओ मुझे पैसे पकड़ाओ, क्योंकि हमने तो पहले विजिट किए हुए जिस तरह करते हैं कि पैसे दे दो हम खुद करवाएंगे, पता नहीं करवाने या नहीं, आपने बोला कि नहीं आपने खुद अपने अकाउंट से करवानी है, खुद करवाएं अपने नेम बाय नेम, गए हमने जाके फी पे कर दी, स्लिप पे की, तो हमने यूनिवर्सिटी भेजा। यूनिवर्सिटी के बाद थर्ड स्टेप आ गया, अब एम्बेसी का केस बनाना शुरू किया। तो जो हमारे सीनियर टीम मेंबर थे जो वीजा एप्लीकेशन को हैंडल करती थी, तो वो कोविड की वजह से थोड़े से वरी हो गई, अलबत्ता उनकी तबीयत ठीक थी पर उनके बुखार हो गया। तो फाइल का टाइम आ गया, अदनान दो तीन बार मेरे पास आए, मैंने कहा देंगे। तो फाइनल डे हमने इनको फाइल एम्बेसी की दी, मॉक सेशन किया इनका। अच्छा के मैंने क्या सोचा कि मैंने तीन चार दिन पहले आप जब मेरे पास आए हमने 15-20 मिनट का इंटरव्यू किया, ऐसा ही है। और दो इंटरव्यू में हमने अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे प्रेजेंट करना है, ऐसा ही किस है। तरह से अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है कि उनको बुरा ना लगे, और जो चीजें सही एक्यूरेसी की वो अल्हम्दुलिल्लाह ये पेयर्ड इन एम्बेसी इंटरव्यू। मगर जब ये एम्बेसी इंटरव्यू इस्लामाबाद को अपनी फाइल लेकर के वहां से मिस्टेक्स निकल आए, मिस्टेक निकला एफिडेविट में, एक जो है ना क्लेरिकल मिस्टेक थी, वो इस तरह की मिस्टेक थी कि मैं वो दोबारा बनवाने के लिए रात थी 10 बजे का टाइम था, मैं पता किया दो तीन जगह से स्टाम्प ढूंढने के लिए कि चले मैं नया प्रिंट करवा लेता हूँ, लेकिन वो नहीं, टाइम था सुबह 9:30 एम्बेसी का इंटरव्यू का, लेकिन ये है कि फिर मुझे सुबह जाना पड़ा रावलपिंडी में कचहरी में। मैंने कहा कि आपका 9:30 है, अब वरी ना हो, आई विल टॉक विद द डायरेक्टली विद एम्बेसी, डेफिनेटली आई एम द ऑफिशियल वन रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा ही अल्लाह पाक का शुक्र है, एम्बेसी में आरसा पूरी टीम इंक्लूडिंग माय सेल्फ वो हमें बहुत नॉमिनेट करते हैं, इज्जत देते हैं। ऐसा ही है। मैंने अदनान को कहा वरी नो, आप जाओ जाके अपने प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैं वीजा ऑफिसर को सुबह एम्बेसी टाइम पे शार्पली 9:00 मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये मेरे कैंडिडेट किसी वजह से लेट हैं और हम 12:30 तक पहुंच जाएंगे। देन अदनान कनेक्टेड विद मी ऑलमोस्ट 10:30 और 11:00। ऐसा ही है। मुझे कॉल किया जी मैंने वो सारा कुछ रेक्टिफाई हो गया, आई एम ऑन द वे ऑफ एम्बेसी। ऐसा ही है। एम्बेसी पहुंचे, आई जस्ट कॉल टू द एम्बेसी वीजा ऑफिसर एंड हिज असिस्टेंट एंड हर असिस्टेंट, तो उन्होंने कहा जी ठीक है इट्स ओके, आप कैंडिडेट लेट हैं कोई बात नहीं, आपने इन्फॉर्म किया ये रिस्पेक्ट है, अच्छी बात है, आप आ जाए। मैं पहुंचा हूँ, गया हूँ, मुझे किसी ने नहीं पूछा कि किस वजह से आप लेट हुए हो, क्यों लेट हुए हो, ये है कि बड़ा अच्छा मेरे लिए हुआ कि मैं कुछ मुझे जरूरत नहीं हुई, कुछ हेजिटेट नहीं हुए, मुझे जाते ही नहीं लगा था कि एम्बेसी इंटरव्यू है, एक तो पहला फियर होता है, ऐसा ही है, दूसरा लेट हो गए वो, एक टेंशन ये कि काम रात को गलत भी गलत हुआ है जिस वजह से, ऐसा ही है, रात लेट में सोया, सुबह भी जल्दी उठ के जाना पड़ा, इस वजह से वो ये है कि मैं इंटरव्यू का जो रिवीजन थी ना वो नहीं कर सका उस टाइम। तो ये है कि मैं गया हूँ एम्बेसी, गया हूँ उसी टाइम उन्होंने टेस्ट दिया, टेस्ट मैंने जो किया अपना मैथ टेस्ट और जो करते हुए उसी मतलब दरमियान में उसने बोला कि बायोमेट्रिक वगैरह आपने करवाओ, बायोमेट्रिक करवाया, पिक्चर लिया और सबमिशन करवाई है टेस्ट की, साथ ही उसने इंटरव्यू के लिए कॉल कर दी मुझे, मुझे कॉल की तो मैं तो सुन रहा हूँ लेकिन मेरी जगह पे दूसरा कैंडिडेट चला गया उठ के। ओके। वो चला गया, वो इंटरव्यू देता रहा उसके, वो 2-3 मिनट उसने दिया इंटरव्यू, ऐसे ही चलता रहा उसका, तो इतनी देर में वो जो दूसरी लेडी थी ना वीजा ऑफिसर, उसने उसे कॉल की, तो वो फिर वीजा ऑफिसर ने बोला कि तुम किधर आए हो, तुम दूसरी विंडो पे जाओ, वो उधर गया तो फिर मैं उठ के गया उसकी जगह पे। तो फिर जो है ना मैंने स्टार्ट किया अपना नए सिरे से। तो आपने जाके क्यों नहीं बोला कि यार आपको नहीं मुझे बुलाया, मतलब नेम सेम लग रहे थे कोई ना, आसिफ था उसका नाम, मेरा नाम अदनान था, तो इस तरह से ना वो कोई उस विंडो पे आपकी थी, मतलब फाइल तो अंदर थी, ये नहीं था पता, नहीं आपने सबमिट करवाई उस विंडो में, नहीं मैंने सबमिट करवाई थी फर्स्ट विंडो में, लेकिन मुझे कॉल आई थी सेकंड विंडो से, ठीक है। तो वो मैं गया उसके पास, उसने दोबारा नए सिरे से स्टार्ट किया, तो ये है कि मेरे से उसने सिर्फ 4 questions किए हैं, ओनली 4 questions, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने मुझे जिस तरह गाइड किया था, मैंने बड़ा ब्रीफ जो है ना उसे वो 4 questions में मैंने ऑलमोस्ट कोई 10 questions के उसे आंसर कर दिए होंगे, कि क्रॉस क्वेश्चनिंग उसे मैंने करने नहीं थी। तो ये है कि अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी हुई और आपकी एक एफर्ट थी, तो मुझे नहीं पता था कि आपको ये भी एक प्रॉब्लम फेस करना, ऐसा ही है जी, ऐसा ही है, 2 मिनट बैठे हैं कि मुझे बुलाया गया और प्रेजेंट कोई हो रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा गए हैं उस विंडो पे, एंड दे विल कॉल, दे कॉल अस टू कॉल हिम एंड दे सेड कि यार प्लीज आप तो ना आए, आप वो आए, ये तो बुलाया है, ऐसा ही है।
ट्रबल्स के साथ रहा है, लेकिन एंड रिजल्ट अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि जो एफर्ट आपने भी की है, हमारी तरह से भी हुई है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें अल्लाह पाक की बहुत रहमत। सबसे पहले वाकई सारे सफर को कामयाबी अल्लाह की रहमत से मिली जी, बिल्कुल। अदनान और जुनेद भाई, इनका मुझ पे, मेरी टीम पे कुछ ऐसा कह सकता हूँ इन दोनों के बारे में, कुछ ब्लाइंड ट्रस्ट था। जुनेद हमेशा कहता था इंशाल्लाह वीजा लेकर आएंगे, मिठाई लेकर आएंगे, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आज वो दिन भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा पॉइंट ये रहा कि मेहनत होती है आपकी नीयत के साथ चल के, टीम वर्क है कि बिल्कुल। अगर आपकी नीयत और ट्रस्ट दोनों यकीन है तो कितने ट्रबल है। अगर ये वाले ट्रबल चार जो आपने और मैंने काउंट की है, ये किसी और बंदे को आई हुई होती जो अभी तक अपेयर हुए, यकीन करें वो ना मुझे अब तक 50 कॉल्स कर चुका होता, सर जी ये हो गया था, सर जी वो हो गया था, ऐसा होता ऐसा ही। बट अल्हम्दुलिल्लाह दे नेवर कॉल्ड अस। जुनैद भाई ने एक बार पूछा मुझे फोन करके कि कोई अपडेट है आज सर के, नहीं अरबी तो नहीं है। तीन चार दिन पहले इनकी अपडेट आई थी, मैंने इनको कोई नहीं बताई, फिर एक कॉमेंट्स के नीचे मैंने इनको जान के, मुझे मेरे दोस्त जो हैं ये बहुत अच्छे हैं जुनैद भाई, ये एक पोर्टल पे स्टडी हंगी वाला बड़े एक्टिव होते हैं, तो ये किसी को कुछ गाइडलाइन दे रहे होंगे शायद। तो मैंने पूछे सामने वैसे ही सेल फोन ओपन किया, जरा सर के अदनान भाई का कोई कमेंट्स आए हुए हैं, तो मैंने कहा चला अच्छा अदनान भाई मुबारक हो आपको, तो जुनैद भाई सॉरी मुबारक हो आपको, तो आपके दोस्त का वीज़ा स्टैम्प हो गया, हमारे पास फाइल आ गई है, दे कॉल हैप्पी, बहुत अच्छा मुबारकबाद दी। मैंने पता था मैं इस तरह का मजाक तो खैर नहीं कर सकता, इतना बड़ा मजाक वो भी प्लेटफॉर्म पर चल रहा हो, अल्लाह का शुक्र है। यस्टरडे वी रिसीव्ड अ प्रोफाइल एंड बहुत ही अच्छा सफर रहा। और क्या कहेंगे आपको, आपकी और मेरी जुनैद भाई की तीनों का ट्राइंगल चार साल से तीन साल से तो ऐसा ही है। कभी लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है फाइनेंशियल फोकस, बिल्कुल ऐसा ही है। आज हमारा ये सफर फाइनेंशियल का खत्म होगा, खत्म होगा। बताएं जब हमारी ये वाली मीटिंग शुरू हुई इस फाइनेंशियल पे, जो हमारी स्टार्टअप तक कमिटमेंट हुई तीन दोस्तों के मिलकर, कैसा फील हो, क्या क्या चेंजेस आई भाई जान? चेंजेस क्या आनी है कि ये मैं तो सजेस्ट करूंगा कि मुझे एक चीज़ आपकी सबसे जो अच्छी लगी है कि आप फाइल ये नहीं कि दूसरे कंसल्टेंट की तरह करते कि ये जी मुझे पैसे दो सारा कुछ मैं खुद कर लूँगा। आप सारे डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट से खुद बनवाते हैं, उससे भी पता है कि मैं क्या बना रहा हूँ और मैं क्या प्रेजेंट कर रहा हूँ और मुझे जाके इंटरव्यू में क्या बोलना है, क्योंकि कंसल्टेंट किस तरह करते हैं कि खुद से बना रही है सारी फाइनेंशियल, तो वो कैंडिडेट को कुछ पता नहीं होता, उधर जाके वो डिफेंड नहीं कर सकता अपना केस। आपकी जगह कोई और जो कि हम फाइल हमेशा दो या तीन दिन पहले दे रहे हैं, ऐसा ही है। अगर फाइल कोई और इमैच्योर स्टूडेंट होता या न्यू रिलेशनशिप होता और वो कॉन्फिडेंट ना होता कि जितना आपका है, तो शायद वो अच्छा एम्बेसी में प्रेजेंट ना करता, ऐसा ही है ना, ऐसा ही अच्छा हक अदा ना करता, ऐसा ये बात है। दूसरा अल्लाह का शुक्र है यार, हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे को स्टूडेंट को एक एक डॉक्यूमेंट उसके हाथ से गुजारा, वो खुद बनवाएगा तो उसे पता होगा कि मैंने क्या बनवाया और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है और इसमें लिखा हुआ क्या, लिखा क्या है, कहना क्या उनको जा। मेरी क्लरिकल मिस्टेक इसीलिए तो मैंने पकड़ ली कि मैंने डॉक्यूमेंट जो बनवा के दिया था वो कितनी वैल्यू का था और यहाँ क्या लिखा था, और अगर जीरो का मसला था और ऐसा ही पूरी फिगर वो पूरा अगर वो उसकी नजर से गुजर जाती और हम गलत कर देते वो, आप उसको कह देते मेरी मिस्टेक है, ऐसा ही या सर आसिफ की है, हम इसको कैप्ट करते हैं, मगर वो उसको नेगेटिव तो ले सकती है, ले सकते आज शायद ये रिजल्ट हमें ना मिलता। आप कहते, वो कहते हाँ हो जाता है समटाइम, वो मानते हैं, उनसे भी हो जाता है समटाइम, वो कभी किसी की पॉइंट में भेज देते हैं कभी किसी के, बट अल्हम्दुलिल्लाह फाइल स्टडी करने से ये फायदा होता है लेटर बाय लेटर वर्ड बाय वर्ड, कि अगर हम भी इंसान हैं मेहनत करते हैं कोई गलती हो जाती है तो हम एम्बेसी पहुंचने से पहले उसको रेक्टिफाई कर लें। बाकी अल्लाह का शुक्र है आज ये सफर का पहला सेशन एंड हो रहा है और बड़ा पॉजिटिव, आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ देयर एवरी माय टीम मेंबर अल्लाह पाक एंड बोथ ऑफ माय डियर ब्रदर जज़ाकअल्लाह। इफ यू वांट आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू अदनान इज प्रोफाइल, हम इनको टैग भी करेंगे, ये फेसबुक पे भी है ये फाइल आरसा, about your profile, about the financial procedure, तो आप without hesitation आप comment कीजिएगा, इंशाल्लाह। Thank you, आपको वीडियो अच्छी लगी तो share कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।